ओके ओके यहाँ पे ओके गाइस, तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पे नन और गमी दोनों लोग पागल हो चुके हैं। नन क्या हो गया, तालियां बजा रही हो? गाइस नन तालियां बजा रही है, पागल हो चुकी है नन हमारी, जल्दी पड़ रही है तुम दोनों को। ओके सो गाइस, ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे दोनों चिकन हो चुके हैं, बिल्कुल नॉर्मल चिकन, अभी इनसे कोई खतरा नहीं है। अजीब ही बात है, चलो चलो यहाँ से। ए ये क्या हो रहा है भाई, ये नन, हेलो नन क्या हो गया तेरे को? तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू गेमिंग वीडियो, और आज हम लोग आ चुके हैं ईवल नन चैप्टर 2 के साथ। तो गाइस चैप्टर 2 अभी मैं खेलने वाला हूँ अपने चैनल पे पहली बार। आपको पता होगा चैप्टर 1 तो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ एक्सट्रीम मोड में, वो अपने पे तो मुझे मन नहीं किया उसका गेम प्ले रिकॉर्ड करने का, बट चैप्टर 2 मैंने काफी टाइम से नहीं खेला, एंड मुझे चैप्टर 2 एक्चुअली खेलना भी है, मन भी कर रहा है, क्योंकि इसका नया अपडेट आने के चांस ज्यादा बन रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ उसको क्यों ना एक बार हार्ड मोड में ट्राई कर लिया जाए लास्ट टाइम, क्योंकि इसके बाद हम सीधे इसको जो नया अपडेट आएगा इसका वो खेलेंगे, या फिर ईवल नन चैप्टर 3 खेलेंगे। यस here. As long as you don't shut up for once, I'm going to let go of my little friends. So be quiet. Hi, pretty. How did you nap? After these days with me, I'm sure you will regret being a bad student. ओके गाइस, तो हमारा गेम प्ले यहाँ पे हो चुका है शुरू, एंड क्योंकि ये हार्ड मोड है तो भाई टाइम वेस्ट नहीं करना है फालतू की चीज़ों में, क्योंकि आपको पता ही है कि हार्ड मोड में हमारी नन कितनी फास्ट हो जाती है, एंड उसके साथ साथ देने के लिए हमारे पास गमी भी होता है यहाँ पे, तो गेम ज़्यादा हार्ड हो जाता है, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए चीज़ें फालतू की नहीं करते। ओके कोड है यहाँ पे 19। ओके यहाँ पे हमने कोड देख लिया है, क्योंकि मेरे को ना एक बॉक्स को ओपन करना है और उसके लिए हमें ये कोड चाहिए। तो आज हम इसका डोर एस्केप करेंगे नजरत वाली एंडिंग के साथ, क्योंकि नजरत वाली एंडिंग जो है वो देखनी है, ट्रू एंडिंग जिसे हम बोलते हैं। ये लगा दिया, एंड ये लेते हैं, इसको भी लगा देते हैं, नाइस, इसको ले गए ऊपर चलते हैं। वैसे मैं ये गन क्यों ही बना रहा हूँ, इसकी मेरे को ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि नजरत वाली एंडिंग में इसकी ज़रूरत ऑफकोर्स नहीं पड़ती हमें, बट फिर भी यार चलते हैं ऐसे बना ही देते हैं, ठीक है। ओके सो ये सारे एग हैं, इसमें कलेक्ट कर लेते हैं, गमी गुस्सा ना करियो, ठीक है। एग ले लिया हमने और यहाँ से चलते हैं नीचे, चलो चलो चलो। एंड अभी ना नन जगी है ना गमी, तो बहुत ही बढ़िया है फ़िलहाल सब कुछ माहौल, बट जैसे ही वो जग जाएंगे
हमारा डर शुरू हो जाएगा। इसे फेंको एंड आप जो साउंड सुन सकते हो गाइस, यहाँ पे नन जग चुकी है। जल्दी चलते हैं इस वाले रूम में। ओके, हम लोग यहाँ आ गए हैं एंड प्लीज़ यहाँ पे नन ना हो। ओके, वैसे नहीं होगी क्योंकि अभी अभी वो जगी है, मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पे आ जाएगी शुरुआत में ही। जल्दी चलते हैं, सबसे पहले कोड डालते हैं ताकि मैं कोड ना भूल जाऊँ। ओके, अरे भाई हो जाए ना ओपन। ठीक है, तो ठीक है 19। ओके 193 क्या था, 1927 हुआ, 1927 एंड यहाँ पे ये हो चुका है ओपन। ओके, यहाँ पे ये ओपन हो चुका है एंड यहाँ पे मैं एक्चुअली इस एरिया को ना मैं अभी तक एक्सप्लोर किया ही नहीं हूँ यहाँ पे, पता नहीं यार। ओके, ऊपर चल के देख के आते हैं, चलो एक बार चलो 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 चलो। देखो सिस्टर एंडा, बेचारी सिस्टर एंडा गाइस यहाँ पे देखो खाना खाने में लग रही है आइसक्रीम, खाना नहीं आइसक्रीम। एंड यहाँ पे ये वोल्ट लगे हुए हैं, इसके लिए पता नहीं क्या। एक सेकंड। ओ ओ गाइस नन आ गई है यहाँ पे, मैंने फालतू चीज़ें करके अपना टाइम वेस्ट कर दिया यार। ओ आई थिंक नन मार गई। नाइस नाइस भाई, बच गया मैं तो। हेलो भाई, मैं बच गया। ए ये नन कैसे खिसक खिसक के आ रही है गाइस, ये क्या ग्लिच है एक सेकंड, वो देखो ए नन भाई खिसक खिसक के हवा में जा रही है, वाह अजीब ही बात है। चलो चलो यहाँ से। ए ये क्या हो रहा है भाई, ये नन, हेलो नन क्या हो गया तेरे को भाई, ये कैसे खिसक के आई है, एकदम अजीब ही ग्लिच था। चलो वापस चलते हैं। ठीक है, सो अभी नन हमारी इस वाले एरिया में है ना, तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए हम गार्डन वाले एरिया में चलें कि स्कूल। हाँ चलो मेन स्कूल की बिल्डिंग में चलते हैं क्योंकि वहाँ पे हमारे को बहुत सारा काम है, हमें नोबिता के ग्लासेस लेने हैं। सो अगर आप लोगों को नहीं पता नोबिता के ग्लासेस क्या है, तो भाई नोबिता के ग्लासेस मैं बोलता हूँ उस चश्मे को जो हमें चाहिए होगा एंड उसी के साथ हमें और भी चीज़ें चाहिए। बट एक सेकेंड, सबसे पहले यहाँ पे ओके, हाँ यहाँ पे साउंड बिल्कुल नहीं आ रहा है इवन लन का, तो बढ़िया बात है, सीधे चलते हैं। यहाँ पे रूलर भी चाहिए हमको, ठीक है। इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नोबिता ग्लासेस नहीं है, रूलर एक्चुअली हमें मिल चुका है। नाइस, ठीक है ब्रोकन रूलर मिल चुका है, इसे लेते हैं, उठाते हैं यहाँ से। एंड अभी हम इधर आ चुके हैं केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट वाला लेवल। अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना, मैं उसको भी खेलूँगा, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है वो भी। ठीक है, इसके अंदर तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, मैं क्यों ही ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे। इसके अंदर ग्लास है क्या? ओके ओ ग्लासेस मिल गए मेरे को, ठीक है। सो ग्लासेस यहाँ पे हैं, सो इसको भी तोड़ दूँ। एक काम करता हूँ ना, इसे मैं सीढ़ियों पे फेंक देता हूँ ताकि आसान रहेगा वहाँ से हमें इसे ले जाना। अभी अभी गमी को और नन को आने में काफ़ी टाइम है, काफ़ी तो नहीं है बट हाँ कुछ टाइम है। सो मेरे को जल्दी करना पड़ेगा ये चीज़ ताकि वो लोग आ ना जाएँ। ठीक है, अभी रूलर उठाते हैं अपना एंड यहाँ पे भी हमको ग्रीन हाउस की चाहिए होगी। लेट्स सी यहाँ पे। ओके, ग्रीन हाउस की भी मेरे को यहीं पे मिल गई है, बहुत बढ़िया बात है जो कि। तो चलते हैं यहाँ से एंड जो ओके, अभी हमारा ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमें मिल चुकी हैं बट यहाँ पे मेरे को नन की आवाज़ आ चुकी है क्या? एक सेकंड, हेलो, हाँ एक सेकंड, मेरे को यहाँ पे ना वो कट्टी भी ढूंढनी पड़ी, कट्टी जो कि ये रखी। ठीक है, तो इसको भी हम यहीं से उठा लेंगे बट यहाँ पे भी हम चलते हैं भाई वापस। ठीक है, रिस्क नहीं लेना बिल्कुल भी भाई, इतनी ही जल्दी जल्दी करना पड़ता है इसमें हार्ड मोड में, क्योंकि भाई हार्ड मोड में आपको पता ही है कि एक भी मिस्टेक हुई एंड भाई पूरा खेल ख़त्म गया। अभी हम चलते हैं एटिक में, नहीं एटिक में नहीं, एक काम करते हैं ना यहाँ पर चलते हैं गार्डन वाले एरिया में, क्योंकि यहाँ से हमको बाकी की और भी चीज़ें करनी है। सबसे पहले तो ये चारों जो लाइट हैं इन्हें ऑफ कर देते हैं। एक सेकेंड, हाँ ये रोज़ हेप भी चाहिए होगा मेरे को बट अभी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले ना ये लाइट ऑफ करते हैं। एक सेकंड, इसका स्विच कहाँ है? स्विच किधर है? ओके, ये रहा पहला स्विच, ठीक है इसे बंद करते हैं। एंड इसका बंद करने का जो साउंड आता है ना वो मेरे को सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है सीरियसली। ओके, पहला बंद हो गया, दूसरे का देखते हैं ज़रा। ठीक है, दूसरा स्विच ये रहा, इसे बंद कर दो। अरे भाई हो जा बंद, ठीक है ये भी बंद हो गया। एंड तीसरा स्विच ये रहा, इसको बंद कर देते हैं। नाइस, ये बंद हो गया। एंड चौथा स्विच है ये वाला, सो इसे भी बंद कर देते हैं। ठीक है, ये भी हो गया बंद। नाइस, अभी हम लोग चलते हैं यहाँ से। शवल वहाँ पे पड़ा हुआ है, शवल की ज़रूरत हमें पड़ेगी बट अभी नहीं है,
एंड हाँ, इसको बैटरी को निकालेंगे जल्दी से, इसके लिए हमें वायर कटर चाहिए होगा। एंड वायर कटर यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ पे होगा? ओके, हाँ वायर कटर यहाँ पे पड़ा होगा, ठीक है। सो हमको वायर कटर मिल चुका है, एंड वायर कटर लेके जल्दी से इस बैटरी को काटते हैं, ठीक है। ये बैटरी काट दी, बैटरी उठा लो, नाइस। और यहाँ से चलते हैं जल्दी भाई, बिना टाइम वेस्ट किए। बट एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं, शायद नन आ जाए। ओके भाई, यहाँ तो हम काफ़ी वेट कर चुके हैं बट यहाँ पे नन आ नहीं रही। मैं चाहता हूँ ना कि जब मैं यहाँ पे हूँ तो वो नन यहाँ पे आ जाए, ताकि जब मैं एटिक में जाऊँ तो मुझे एटिक में वो ना देखने को मिले भाई, ठीक है। बट हाँ चलते हैं भाई यहाँ से, मुझे लग नहीं रहा कि वो आएगी यहाँ पे फ़िलहाल। इतने में तो मैं आलू और गाजर दोनों खो देता, बट नहीं, मेरे को रिस्क नहीं लेना, क्योंकि आलू गाजर जैसे एरिया में है ना, वहाँ से कोई दूसरा रास्ता है नहीं निकलने का। और वहाँ अगर एक बार नन और गमी आ गए भाई, बैंड बज जाएगी। ओके चलते हैं गाइस एटिक में, एंड ये जो बैटरी है इसे लगा के आएंगे, ठीक है। हम लोग एक सेकंड भाई इसे फेंको यहाँ पे, एंड यहाँ पे साउंड भी एक्चुअली मुझे आ रहा है गमी का और उसका नन का, तो रिस्क नहीं लेने का बिल्कुल भी। ओके यहाँ पे हम आ गए हैं, एंड अभी जो ग्लासेस ग्लासेस आई थिंक हाँ यहाँ पे पड़े हुए हैं ना, तो चलते हैं ग्लासेस लेके आते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये रहे ग्लासेस, इन ग्लासेस को उठाते हैं एंड इसको भी लगा के आएंगे हम टेलीस्कोप में, ताकि हम देख सकें जोसेफ सालवन और सिस्टर एंडा के बीच क्या बातें हो रही हैं, ठीक है। सो अभी इसे यहीं पर फेंक देते हैं फ़िलहाल तो, बाकी जो तीसरी चीज़ है ग्रीन हाउस की उसे लेके चलते हैं, क्योंकि हमें ग्रीन हाउस ओपन करना है, तभी तो ग्रैंड माज स्पेशल रेसिपी बना पाएंगे वहाँ पे। हाँ जी, उसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता, उसके बगैर तो हमें इवोलन की वो ट्रू एंडिंग देखने को ही नहीं मिलेगी। बट एक सेकंड, सबसे पहले एक कैंटीन भी लेने चलते हैं ना, रख ही आता हूँ नीचे, क्योंकि ये भी तो लानी है बाद में, अभी ले जाओ इससे अच्छा। ओके सो ये गई यहाँ पे, एंड अभी हम लेके आते हैं लास्ट चीज़ जो कि है ग्रीन हाउस की। क्या यहाँ पे नन आ चुकी है? एक सेकंड थोड़ा साउंड करता हूँ। ओके भाई यहाँ पे नन आ चुकी है, मेरे को बढ़िया रहा मैं नहीं गया, अच्छा है। चलो अब नन यहाँ पे आ चुकी है तो बहुत ही सही मौका है हम जाके एटिक में जाके जितना भी हमने ये चीज़ें कलेक्ट करी हैं इनको हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। जैसे कि सबसे पहले ये लेंस लगा देते हैं, ठीक है। ओके हाँ यहाँ पे बैटरी पड़ी हुई है तो यहाँ पे तो नहीं होगी ना, हाँ ठीक है यहाँ पे नहीं है, बहुत बढ़िया। एंड यहाँ पे एक्चुअली हमें माचिस भी चाहिए होगी, जो कि नीचे ही रखी होगी किसी ना किसी ड्रॉअर में, ठीक है। सबसे पहले इसे लगाते हैं। ओके ये लग गया लग गया लग गया लग गया लग गया, नाइस। सो ये लग चुका है, एंड अभी यहाँ पे जरा माचिस ढूंढ लेते हैं कहीं पर पड़ी होगी। यहाँ पे होगी नहीं है, ठीक है, यहाँ नीचे वाले में, ठीक है, यहाँ भी नहीं है भाई, ना वहाँ पर है ना वहाँ पर है, तो क्या यहाँ पे किसी ड्रॉअर में होगी? इधर चेक करें जरा। ओके मिल गई मिल गई, नाइस। इसे उठाओ भाई, नाइस। ये लो भाई यहाँ पे लगाते हैं आग, एक सेकंड। इसे खोलते हैं, यहाँ पे अवन को करते हैं ऑन, ठीक है। अवन अभी जल चुका है, और अभी हम ये लेके चलते हैं जार, क्योंकि इसके अंदर हमें होली वाटर भर के लाना है, जो कि दूसरे वाले एरिया में है। बट एक सेकंड, मैं यहाँ पे आया ही हूँ तो यार इस बैटरी को भी लगा ही देते हैं, लगे हाथ बैटरी भी लगानी है क्योंकि। ओके सो ये लगाई बैटरी, लग जा भाई लग जा लग जा। ओके सो बैटरी लग चुकी है यहाँ पे, एंड अभी अभी चलते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ का काम डन हो चुका है, अभी हमें सिर्फ एंड में आना है यहाँ पे। ओके जार ले लेते हैं, जार को भर के लाते हैं जल्दी से। ओके सो अभी इस जार को लेके चलते हैं हम लोग, बट एक सेकेंड, हाँ मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेके चलता हूँ क्लासरूम वाले एरिया में, क्योंकि मुझे थोड़ा साउंड करना है यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, ताकि हमारी नन जो है वो इधर साइड को ही आ जाए। ऐसे गिराते हैं। ओके 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 यहाँ पे हमारा एक और साउंड कर देते हैं। हाँ एक सेकंड यहाँ पे, बाय 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 बाय, एक सेकंड इसे उठाते हैं, एंड यहाँ पे थोड़ा सा साउंड कर देते हैं। ओ हो गया हो गया, चलो निकलो निकलो निकलो, काम हो गया अपना, अभी अपना एरिया क्लियर हो जाएगा वहाँ पे, वरना वहीं पर नन आ जाती सो बेकार रहता। तो अभी चलते हैं चर्च में, एंड चर्च में जाके होली वाटर को लेके आते हैं। ओके हम लोग आ चुके हैं चर्च में, एंड अभी यहाँ पर नन नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है, नाइस। इस होली वाटर को करो यहाँ से कलेक्ट, ठीक है,
यू फिल्ड द जार विद होली वाटर, नाइस। एंड इस रेसिपी को भी तो देख लो भाई एक बार, नाइस। एक पोटैटो एक कैरेट, ठीक है। कभी कभार तो इतनी हार्ड होती है ना ये रेसिपी, कभी कभार होते हैं 3 पोटैटो 2 कैरेट, कभी कभार तो 4 होते हैं 4 पोटैटो भाई। ओके, ये रेसिपी है जिसके लिए मुझे गार्डन वाले एरिया में जाना पड़ेगा, बट मैं नहीं अभी फ़िलहाल ना, सबसे पहले इसको भर के आते हैं। ओके चलो रे चलो, चलो रे चलो, चलो रे चलो। ओके इसे भरते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहला हो गया यहाँ पे काम डन, और अभी हमको ग्रैंडमास स्पेशल रेसिपी बना के लानी है जिसके लिए हमें गार्डन वाले एरिया में जाना पड़ेगा, एंड वहीं पे है हमारा बाकी का आगे का काम पूरा। और भाई अभी तक मेरे को नन ने एक बार भी नहीं देखा, सीरियसली मतलब हार्ड मोड में। ओके इसे फेंकते हैं यहीं पे। ओ साउंड हुआ है बट यहाँ पे नन नहीं है अभी, ठीक है, बहुत ही बढ़िया मौका है, नन नहीं है यहाँ पे। सो हम यहाँ से कहाँ पे मिला था मेरे को वो चाबी, चाबी 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 आई थिंक, हाँ इधर नहीं था, उधर साइड को ही है, इधर साइड को। जब शुरू में ये गेम लॉन्च हुआ था ना, तो ये रूम ये सारे क्लासेस इतने ज़्यादा मुझे कंफ्यूजिंग लग रहे थे, बट मेरे मैंने इसको बड़े इजीली कंप्लीट कर लिया, हार्ड एक्सट्रीम नॉर्मल सब में, एंड काफ़ी मज़ा आया। ओके अभी चलते हैं यहाँ से वापस, चलो 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 चलो। ओके हमारा काम यहाँ पे गाइस कंप्लीट होता जा रहा है काफ़ी जल्दी। ओके अभी हम चलते हैं गार्डन में, और यहाँ पे जाके चाबी को लगाते हैं ग्रीन हाउस में, एंड उस ग्रीन हाउस को करते हैं ओपन। देखो ये रहा सामने, इसको किया ओपन, नाइस। एंड अभी यहाँ पे क्या नन आ चुकी है क्या, एक सेकेंड, डोंट टेल मी, ओके नहीं आई। हाँ तो रोज़ हेप हमको एक चाहिए ना, एंड मेरी आंखों के सामने एक रोज़ हेप दिख रहा है, तो इसे उठा लेते हैं। ओके रोज़ हेप ले लिया है हमने, और इसको हम जल्दी से डालेंगे इस ट्रे के अंदर, ये डाला ट्रे के, अरे भाई रोज़ हेप बाहर मत जा प्लीज़, ट्रे के अंदर ही जाओ, ठीक है, नाइस। अभी यार एक काम करते हैं, सबसे पहला ना जो मेन काम है जो कि है आलू और गाजर को निकालना, एक आलू निकालना एक गाजर निकालनी है। सो जल्दी से ना सबसे पहले आलू और गाजर को खोद देते हैं, बट एक सेकंड यार मेरे को ना थोड़ा सा लग रहा है यहाँ पे कि नन आ सकती है, तो मैं रिस्क नहीं ले रहा, मैं एक बार जाके इसका साउंड कर दूँगा कहीं पर, तो ऊपर कर देते हैं, चलो ऊपर वाले रूम में। ये तो यहाँ पर कर देते हैं इसका साउंड, एक सेकेंड भाई गलत साउंड हो गया, यहाँ पर नहीं करना, यहाँ पर करना, नाइस। ओके ये दोनों तो आ गए यहाँ पर भाई, इस ना मिस्टर सी से बच के रहना चाहिए, मिस्टर सी जो है ना ये बॉडी बिल्डर चिकन, ये बड़ा खतरनाक है सीरियसली। हेलो मिस्टर सी। ओके दोबारा करते हैं साउंड को, गमी और वो दोनों आ जाए बस यहाँ पे एक बार, गमी और नन तब आए मज़ा। ओके ओके यहाँ पे साउंड काफ़ी ज़्यादा कर दिया है मैंने, और अभी हम चलते हैं वापस। ओके वापस चलते हैं गार्डन वाले एरिया में, नाइस। ऑल राइट गाइस अभी हमारे को इतना टाइम तो मिल ही जाएगा कि हम यहाँ से आलू और गाजरों को खोद लें, तो ये उठाते हैं शवल, और शवल को लेके चलते हैं जल्दी से। ओके सो यहाँ से जल्दी से एक गाजर निकालते हैं सबसे पहले, आई मीन आलू। ओके ये आलू आ गया, एंड इधर साइड को है गाजर भाई, एक तो ये जगह ही नहीं है ऐसे, एक ये रही ना, ठीक है ये गाजर निकालते हैं एक जल्दी से। ओके ये आ गई गाजर, इसे उठाओ, और यहाँ से किधर से ओके ये रही, हाँ इसको यहाँ पे फेंकते हैं, पहला गया। ये है गाइस मेरा शॉर्टकट यहाँ से, सीरियसली शॉर्टकट यार बहुत अच्छा रहता है यार, अच्छा बहुत अच्छा रहता, एक सेकेंड गमी नहीं यार, गमी नहीं 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 गाइस गाइस ये तो गड़बड़ हो गई, निकलो निकलो। ओके मैं छुप गया भाई, बहुत बड़ी गलबल, ओ बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है गाइस यहाँ पे, गमी और नन दोनों आ चुके हैं इस वक्त, एंड मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, जिसका कि मैं आपको पहले बता रहा था ना कि ये गार्डन वाला ये एरिया ऐसा है कि यहाँ पे कोई और रास्ता नहीं है निकलने का, एंड यहाँ पे नन बहुत करीब आ चुकी है। नन प्लीज़ मत उठाइए इसको फट्टे को प्लीज़,
ओके भाई मैं फंस गया। अगर अभी मैं यहाँ से नहीं भाग पाया ना तो सीरियसली मैं मरा, सीरियसली। गई 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 गई, चली जा प्लीज। ओके गाइस, यहाँ पे तो हम काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से फंस चुके हैं, अभी क्या होगा? थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा मेरे को, आई थिंक थोड़ा सा मेरे को वेट करना पड़ेगा। हाँ, वेट के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि भाग तो यहाँ से सकते नहीं है, ये तो कंफर्म है। भागना तो यहाँ पे मतलब नामुमकिन है बिल्कुल। ओके, क्या मैं निकल सकता हूँ? हेलो, चलो कोशिश करते हैं। आ, नहीं 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 डोर खुल चुका, डोर खुल चुका। ये भाई साहब, ये एक सेकंड भाई, ये फिर से आ गई। नहीं नहीं यार, काई को तुम बार बार आ रही हो, क्या है? पीछे हाथ करके पूरा मुआयना कर रही है। ओके चली जाओ। ओके जा रही है, जा रही है, जा रही है। जाओ जाओ भाई जाओ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नन खांसी हो रही है मुझे इस बात पे, तो चली जा प्लीज। ओके भाई, मैं तो रिस्क लेने ही नहीं वाला, लेने ही नहीं वाला भाई। वेट करेंगे हम इसका, काफ़ी ज़्यादा वेट हो गया है यहाँ पे बैठे बैठे। बट अभी मेरे को साउंड नहीं आ रहा है, ना ही नन का ना ही गमी का। और मुझे लगता है ये सही मौका है। एक सेकंड जरा मैं यहाँ से देख लेता हूँ एक बार। भाई मुझे लग रहा है ना मैं गेट खोलूँगा, ये फिर से ना आ जाए। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, इधर तो नहीं है, ठीक है। और ना गमी का साउंड आ रहा है इस वक्त, ना ही इवल नन का साउंड आ रहा है। तो मुझे लगता है ये सही मौका है, मे बी। भाई मुझे ना या फिर तो हिम्मत करके जाना पड़ेगा यहाँ से, या फिर यहीं पर दबक के रहना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँ इन दोनों में से? मेरे को ना अपना ट्रैप बचा के रखना चाहिए था। एक सेकंड गाइस, इस दरवाजे को खोल देते हैं, ठीक है? एक सेकंड, भैया ने खोल दिया है और अभी तक कोई नहीं आया। एक सेकंड, ये भी बंद है। ओके आई थिंक काम बन गया है अपना, जा चुके हैं नन और गमी दोनों। भाई बहुत बढ़िया, थैंक यू भाई नन और गमी जाने के लिए यहाँ से, ठीक है। इसको लगाते हैं, इसको डालो यहाँ पे, ठीक है। ये आलू गया एंड अभी गाजर है, ये रही गाजर, उठाते हैं जल्दी से सुखड़ी सी गाजर, इसे डालते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया एंड यहाँ पे हमको चाहिए होगा, एक सेकंड, हाँ कितना चाहिए? दो सैफरन चाहिए एंड दो हमको बेजल चाहिए, ठीक है। अरे भाई सैफरन यार आ जा हाथ में, ठीक है। सो ये गया सैफरन, ठीक है, ये गया पहला, ऑल राइट। एंड ये गया दूसरा, जा भाई जा। अरे बाहर क्यों आ रहा है भाई? ट्रे से, ट्रे के अंदर जा। अरे भाई एक तो ये अच्छा है, ये सैफरन जो है साउंड नहीं करता, वरना यही साउंड करके नन को बुला देता, ठीक है। अभी दो बेजल चाहिए हमको। सो ये गया पहला, नाइस, और ये गया दूसरा। आ जा भाई एक सेकंड। ओके ये गया दूसरा, ये डाला यहाँ पे, नाइस। अभी इसको जरा बनाते हैं जल्दी से। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पे ग्रैंडमास स्पेशल रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है एंड अभी हम इसे लेके चलते हैं यहाँ से। गाइस फाइनली इस इलाके से बच गया मैं, मुझे नहीं लग रहा था, मुझे लगा यहाँ पे मेरा गेम एंड हो जाएगा, बट नहीं, हमारा गेम एंड नहीं हुआ, नाइस। अभी चलते हैं भाई, एक काम करता हूँ ना, मैं क्लासरूम वाले एरिया में चलता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा साउंड कर दूंगा, साउंड कर दूंगा ना तो यहाँ पे नन आ जाएगी, तो बढ़िया रहेगा, हम सेफ रहेंगे। इसी बहाने इसे फेंको भाई, ये ग्रैंडमास रेसिपी देखो कैसी है, देखो फेंक के भी कुछ नहीं होता इसे। ओके गाइस, यहाँ पे साउंड हो चुका है एंड यहाँ पे नन भी आ चुकी है। सो बहुत ही बढ़िया मौका है, निकलते हैं यहाँ से सीधे अपने एटिक की तरफ। यस, तो एटिक में जाएंगे एंड एटिक में जाके ये जो ग्रैंडमास रेसिपी हमने बनाई है इसको डालेंगे। यहाँ पे आ गए हम, इसको खोल दो, नाइस। और यहाँ से चलते हैं सीधे, पानी उबल चुका होगा इस वक्त तक, ठीक है। ये डालो इसके अंदर, वापस चलते हैं यहाँ से, बहुत बढ़िया। और अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं सीधे नीचे। ओके हमारी वो कट्टी कहाँ है जो मैं लेके आया था? अरे आई थिंक वो क्लासरूम वाले एरिया में पड़ी है, उसे लेके आते हैं अपने साथ। ओके ये रही, इसको उठाते हैं यहाँ से, ठीक है। कैंटीन, ठीक है, इसे थोड़ा सा साउंड कर दिया है हमने, अभी वापस चलते हैं।
साउंड इतना हो चुका है कि वहाँ पे नन और गमी दोनों होंगे। इसको भर देते हैं जाके जल्दी से। ओके, ये बन के रेडी हो चुका है, इसे भरते हैं। एंड ये इलाके पे बहुत ही ज़्यादा ये वाला गेम लैग करता है, क्योंकि ये इलाके में यार ये धुआं धुआं का इफ़ेक्ट देते हैं ना कैप्लेन्स वाले, इसलिए वो ज़्यादा लैग करता है। चलो फिलहाल ये हो गया है रेडी, इसे यहाँ से चलते हैं हम। ऑल राइट, ओके, सो हम इसे यहाँ पे ले आए हैं कट्टी को, इसे यहाँ फेंकते हैं, थोड़ा सा साउंड करते हैं ताकि जो चारों के चारों हैं यानी गमी, मिस्टर सी, ड्रोस्टल और हमारी ईवलन यहाँ पे आ जाएं। ओके, आई थिंक कोई आ रहा है, गमी आ रहा है आई थिंक। ठीक है, आन दो आन दो आन दो आन दो आन दो आन दो गमी को, आ जा। क्या खाने की कोशिश कर रहा है? ओके, एक काम करता हूँ ना, ये दोनों आए हैं, इन दोनों को थोड़ा सा और यहाँ पे रखते हैं। एंड एक्चुअली ना यहाँ पे एक चीज़ तो मैं करना भूल ही गया भाई, सबसे मेन चीज़। भाई साहब बच गया अभी मैं, वो मेन चीज़ है, मैं कैसे भूल गया। हमें जाके सिस्टर एंडा की आइसक्रीम करानी होगी ताकि वो नई आइसक्रीम ऑर्डर करे, अब जोसेफ सोलोमन वहाँ पे आएगा इस बहाने, एंड चाबी गिरेगी फिर। यस, ये कैसे भूल गया मैं। ओके, सबसे पहले एक घंटी बजाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बेल बजा दी है। एंड अभी यहाँ से जो ये हड्डी है इसे लेके चलते हैं भाई। आ जा आ जा आ जा, ठीक है ये। ओके, सो अभी इसे जल्दी से गिरा देते हैं इसके बॉक्स को। ठीक है, ये हमने बॉक्स गिरा दिया है, अभी इसे फेंकते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। और यहाँ से नीचे चलते हैं। चलो 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 चलो, ठीक है हमारा यहाँ पे काम डन हो गया। अभी सीधे चलते हैं एटिक में, और एटिक में जाके टेलीस्कोप से इंतज़ार करते हैं जोसेफ सोलोमन के आने का। जैसे ही जोसेफ सोलोमन आएगा वहाँ पे असिस्टेंट उसे आइसक्रीम लेने जाएगी, एंड हम उसके बल्ब फोड़ देंगे पास में लगा हुआ, देन वो डर जाएगी एंड चाबी गिर जाएगी। नाइस सिंपल। ओके, यहाँ पे भाई मैं चढ़ के ऊपर तब देखता हूँ टेलीस्कोप, क्योंकि नन का कुछ नहीं पता कब आ जाए। ओके, सो वेट करते हैं यहाँ पे जोसेफ के आने का। ओके गाइस, तो जोसेफ सोलोमन यहाँ पे आ चुके हैं, एंड अभी यहाँ पे सिस्टर एंडा आने वाली हो कि इसको आइसक्रीम लेने के लिए। एंड देखो गाइस, यही है वो स्कूटर जो हमने आइसक्रीम सेक्स में देखा था, म्यूजियम में रखा हुआ। नाइस भाई, काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्रीज हैं इस गेम में, आइसक्रीम में और इवन नन में। ओके, इसने घंटी बजा दी है यहाँ पे फिलहाल, और ये आइसक्रीम निकाल दी इसने, और यहाँ पे सिस्टर एंडा भी आ चुकी है। नाइस, सो ये वो सीन तक है जिसमें सिस्टर एंडा जोसेफ को सारी बातें बताती है इवलन के बारे में, एंड इसी के बाद इवलन जोसेफ सोलोमन को खत्म। ओके, जल्दी से बटन दबाते हैं। ओके गाइस, सो यहाँ पे चाबी गिर चुकी है सिस्टर एंडा की जेब में से, मेन डोर की, एंड ये जा चुकी है सीधे गार्डन में यहाँ पर। ठीक है, तो अभी हम इसको लेके आएंगे, सो उसके लिए हम यहाँ से चलते हैं वापस गार्डन की तरफ। ओके ठीक है, सो ये रही चाबी, इसको निकालते हैं यहाँ से जल्दी से। ओके, ये निकाली चाबी हमने मेन डोर की। नाइस, अभी वापस चलते हैं यहाँ से। ओके गाइस, सो हमें हमारा काम हो चुका है यहाँ पे पूरा, अभी हमें जस्ट ये जो गमी है और ये दोनों जो चिकन है इनको नॉर्मल करना है। नॉर्मल मतलब जैसे ये पहले थे असलियत में वैसे करने हैं, एंड देन हमारी ट्रू एंडिंग हमें देखने को मिलेगी यहाँ पे। ऑल राइट, तो काफ़ी ज़्यादा साउंड में कर रहा हूँ यहाँ पे, बट ना गमी आ रहा है यार, ना रोस्टल ना आ रहा, ना सी आ, पता नहीं क्या। ओ आ गए आ गए आ गए, ठीक है ठीक है ठीक है, आ गए हैं। आ जा भैया, आ जा आ जा आ जा, दोनों चिकन आ जाएँ एक बार, बस ये तो एक ही आया, वो भी आ गया, देखो पीछे दूसरा भी आ गया। एंड एक्चुअली ना मैं एक काम करता हूँ, चारों तो एक साथ आने में काफ़ी टाइम लगा रहे हैं, पहले मैं इन दोनों को उड़ा देता हूँ। अरे भाई आ जाओ ना यार, एक आ रहा है तो एक जा रहा है यार, ये अजीब ही बात है ना इनकी। ओके ओके ओके, अभी साउंड हो रहा है, नाइस ठीक है, सही मौका है, अभी दोनों ही यहाँ पे खड़े हैं, और हम यहाँ पे इसको एक सेकंड, भाई भागने की बड़ी जल्दी पड़ रही है तुम्हें, है भागने की इतनी जल्दी पड़ रही है तुम दोनों को। ओके, सो गाइस ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे दोनों चिकन हो चुके हैं बिल्कुल नॉर्मल चिकन, अभी इनसे कोई खतरा नहीं है, ये भाई नॉर्मल हो जाए ये बकेट। ठीक है, ओके ये कंटीन भी हो चुकी है यहाँ पे नॉर्मल, और इसे जल्दी से दोबारा भर के लाते हैं, अब की बार ईवल और गमी को ठिकाने लगाएंगे। ठीक है, सो वापस चलते हैं यहाँ पे एटिक में।
एंड ये अनलिमिटेड है, कितनी बार भी इसे भर लो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो नाइस, अभी हम लोग वापस चलते हैं। ओके ये भरा, ठीक है ये वहाँ पे फेल कर दिया है फिर से, और वापस चलते हैं। इस बार गमी और ईवलन को जरा ठिकाने लगाएंगे। ओके गाइस, यहाँ पे गमी आ चुका है एंड यहाँ पे नन भी एक्चुअली आएगी। आएगी क्या भाई, आ गई समझो, ठीक है भाई। लेकिन नन को थोड़ा सा और यहाँ पे पास आने दो ताकि दोनों एक साथ ही जाएं। यार यार नन आ जाना यार, नन किधर है? हेलो नन जी। ओके ओके यहाँ पे, ओके गाइस, तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पे नन और गमी दोनों लोग पागल हो चुके हैं। नन क्या हो गया, तालियां बजा रही हो? गाइस नन तालियां बजा रही है, पागल हो चुकी है नन हमारी। जल्दी निकल लेते हैं भाई, मौका अच्छा है। ठीक है ये लगाया मेन डोर के हमने चाबी, और गाइस हमारा काम हो चुका है यहाँ पे डन फाइनली। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों चिकन आ चुके हैं इवलन से अपना बदला लेने के लिए। भाई ये सीन कितने दिनों के बाद देखा है सीरियसली। लास्ट टाइम मैंने इस गेम को आई थिंक 2 या 3 महीने पहले खेला था। यस, तो अभी ये चिकन हमको दिखाएंगे ट्रू एंडिंग। ओके वैसे मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है कि मैं डायरेक्ट यहाँ से मेन डोर को ओपन करके जा सकता हूँ, बट हम यहाँ पर ट्यू कह रहा हूँ, हम यहाँ पर ट्रू एंडिंग देखेंगे। ठीक है सो यहाँ से चलते हैं जहाँ से हमारे दोनों चिकन गए हैं। एक सेकेंड, चलो 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 यहाँ से चलते हैं नीचे। ठीक है और वो गए हैं यहाँ पे एटिक की तरफ, तो हम भी जाएंगे एटिक में भाई, और ये चाबी संगी लेके रखेंगे। ओके हम लोग आ चुके हैं एटिक में एंड यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों। ओके एक सेकेंड, हाँ देखो यहाँ पे फड़फड़ाने की आवाज़ आ रही है। ये रहे दोनों चिकन गमी और मिस्टर सी, और आ जा भाई गमी, ये ले तू यहाँ बैठेगा। नाइस, और मिस्टर सी तुम भी आ जाओ भाई, सब इधर आओ, ये बैठो यहाँ पे। ठीक है अभी ये लोग इस क्रॉस को उछल उछल के गिरा देंगे, देखो भाई क्या बदला ले रहे हैं। ओके एंड यहाँ पे तीनों चिकन देखते हुए ईवलन को, एंड आप लोग सुन सकते हो ईवलन के रोने की आवाज़। सो गाइस वापस चलते हैं अभी, क्योंकि ईवलन की आवाज़ आ रही है एंड देखते हैं क्या बातें होती हैं ईवलन और नजरत में। बस ईवलन और नजरत में, सो गाइस आपको पता ही होगा कि आगे क्या होगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय। बाकी ये ट्रू एंडिंग देख लो, नन रो रही है एंड अभी यहाँ पे नजरत आएगा। आजा भाई जल्दी। ओके आ गया। Your extreme suffering has invoked me, so here I am. My name is Nazrat. Naz, what? You have not been an exemplary woman, but you still have time to redeem yourself. I can grant your wish in human, but I will ask for something in exchange. Yes, yes, I am all yours. I won't ask you to be my wife, but you will give me 40 years of your life. I am capable if you bring Elisa back to life. Starting today, you will have to be an exemplary mother and human being. Without being able to leave this school, you will pray me hot or cold. I am capable if you bring my little girl back to life. But I must warn you that by breaking the rules, you will immediately suffer terrible misfortunes. If you are a bad mother, you will become ugly. If you don't adore me, you will lose your sanity. And if during this time you go out once to take a breath, your offspring will know the most horrible death. I am capable. Yes, I am capable. So be it. Get on your feet.
Yeah.